नमस्कार और नाटक की 26वीं प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज का नाटक एक नौटंकी है। नौटंकियां उत्तर भारत में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत खेली जाती है, बहुत लोकप्रिय हैं और करीब 100 साल पहले बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय थे। उस समय इन्हें स्वांग या सांगीत कहते थे। ऐसा ही एक स्वांग नौटंकी शहजादी बहुत चला। नौटंकी नाम की एक शहजादी की कहानी थी। वह इतना चला कि सारी विभा का नाम पड़ गया नौटंकी। ऐसी एक नौटंकी है सुल्ताना डाकू। सुल्ताना डाकू उत्तर भारत में, खासकर बरेली, मुरादाबाद, दिल्ली, पंजाब में अंबाला में एक बड़ा ही खौफनाक डाकू था और उसका 1920, 1921, 1922, 1923 में इन जिलों में बड़ा आतंक था। उसके बारे में कई कहानियां थी, उनमें से एक यह कि वह अमीरों से पैसे लूटकर गरीबों को देता, यानी भारत का रॉबिन। नवंबर 1923 में इंग्लिश सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस फ्रेडरिक यंग ने सुल्ताना डाकू को पकड़ लिया और जुलाई 1924 में उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। सुल्ताना डाकू पर कई नाटक लिखे गए, कई नौटंकियां हुई हैं, दो हिंदी फिल्में भी हैं, एक में अजीत सुल्ताना डाकू, एक हॉलीवुड फिल्म भी है जिसमें यूल ब्रेनर सुल्ताना डाकू और हमारी यह नौटंकी। हमने इस नौटंकी को जहां तक संभव हो सका है उसी तरह करने की कोशिश की है जैसी यह उत्तर भारत में खेली जाती है, जैसे हाथरस में खेली जाती है। आशा है आपको पसंद आए। आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने सेलफोन्स, पेजर्स और जो भी चीज़ चुपचाप करती हो उसे बंद कर दें। नाटक के दौरान फ्लैश फोटोग्राफी बिल्कुल मना है। आप फोटो ले सकते हैं बट कृपया फ्लैश का इस्तेमाल न करें। आशा है नाटक आपको पसंद आएगा। नाटक प्रस्तुत करता है सुल्ताना डाकू। Ah.
शहर नजीबाबाद को लोग सुने जाए। मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान लगा कर ध्यान लगा कर के सुनो। करना लेकिन दौलत मंदों की दहशत से कभी न डरना। दुश्मन भी हैं जिनमें से है एक पुलिस। पुलिस से चौकस रहना जी, यही बस मेरा कहना जी। न गफलत होने पावे, न गफलत होने पावे, और हुक्म दूली करे जान बेमौत उसी की जावे। सदा
वक्त कैसे आया अफसोस मेरे बिल्कुल फरमान को भुलाया सरदार सरदार आज मुझको बड़ा प्यास ने सताया पीने को थोड़ा पानी बंदा यहाँ पे तो पानी पीने तो आओगे ही लेकिन ये तो बताओ कि अच्छा जगह पे तेरी पहरे पे कौन है अब जो बेखतर तू आया मुतलक ना खौफ खाया पहरे पे किसी को छोड़कर आया है और पहरे पे तो है मालिक इस वक्त नहीं है कोई गुबार गुस्से को भूल कर मुझे माफ कीजिएगा डर की वजह से मेरा कुल जिस्म थर थर आया पागल मैंने कभी किसी को कभी माफ भी किया है अरे मेरा मिजाज अब तक न जान पाया अभी तक नहीं पहचान पाया प्रदास लेकिन तू प्यासा है तुझे पानी जरूर मिलेगा प्रधान जी सरदार इसको पानी पिलाओ लेकर आओ पीरिया सरदार अब ऐसा कर कि जा बाकी पानी ऊपर जाके पियो उसको जिंदा उसे नहीं रखता था जिंदा उसे नहीं रखता था किससे खुश हो जाए कसूर रोका ऐसे जालिम का किससे खाया है गिरफ्तारी को मेरी
एक बड़ा अफसर पठाया है। मिस्टर यंग एक उनने ही ये बीड़ा उठाया है। हाँ जी हाँ, यंग साहब ही यहाँ तशरीफ लाए हैं। ना मालूम क्या करेंगे सुनो, ना मालूम क्या करेंगे सुन, बड़े होशियार पाए हैं। ना मालूम क्या करेंगे सुन, बड़े होशियार पाए हैं। ना मालूम क्या करेंगे सुन, बड़े होशियार पाए हैं। अरे करेंगे क्या, यहाँ से गमजदा जाएंगे, वहाँ से हंसते आए हैं। शाबाश, नहीं कुछ कर सके लाने दो जो तशरीफ लाए। सुन प्रधान की गुफ्तगु सुल्ताना को चैन, फूल कुमार वैशा तभी आकर बोली। अरे फूल कुमार, आप लगता है आप कुछ कहना चाहती हैं। प्यारे अब छोड़ भी दो ये काम। कौन सा काम? ए प्यारे अब छोड़ दो, बहुत बुरा ये काम। ज्यादा क्यों इस नाम को करते हो बस। देखो फूल कंवर, बात ऐसी है कि भले नाम हो जाए बदनाम प्यारी, पर अपना छूटेगा ये काम प्यारी। लाऊं तब भर मैं तब
आफरे आफरे जिस सरताज मेरे कहा भूल कंवर बात ऐसी है कि जो पैसा पाकर भी दान नहीं करता पाके जर जो न खैरात कौड़ी करे उसका दुश्मन खुदा ने बनाया हूं मैं जिन गरीबों का गमख्वार कोई नहीं उनका गमख्वार पैदा हो आया हूं मैं अब आप जाइए आराम कीजिए क्या बात है मेरे तो सरदार कुल होश उड़े एक संग गिरफ्तार करने हमें आ गए साहब हम साहब तो आए हैं अरे आने दो क्या करेंगे मेरा साहब आने दो क्या करेंगे मेरा साहब यंग वो भी अरे वो भी देखकर दंग हो सुल्ताना का ढंग आने दो तेरी बात सही है लेकिन पुलिस से होशियार ही करता हूं मैं जरा सतला शाबाश मेरे जासूस बहुत अच्छी खबर लाया करता हूं मैं पास सकुन सत कला जौन का लेकिन सबसे कहो कि कोई खाना जावे कच्चा लेकिन ध्यान से रहिए चौकन्ने रखिए बाकी यंग साहब हमारा क्या है ठीक है चलो जरूर वो धोखा इसने खा जाएगा जो आप अली से होता जाएगा
जनाब का सुल्ताना के हाथों ही एनकाउंटर करा दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं हुजूर, पर क्या करें, मैं तो गुलाम हूं। चलो आप हमारे बड़े ही नमकपार और गमखवार साथी हैं, इसलिए हम आपको एक काम देना चाहते हैं। तुम लगा करके आओ ये जल्दी पता, हो रहे मशवरे यंग साहब के यार, उनके हमराह बस कितने हैं आदमी, देख आओ मगर हो न चाहे। क्या करेगा कोई मेरे संग में दगा, द्वार मुल्क के अदब का उसे दूर दिखा। शाबाश, मुझे जाता आता हूं वापस भी, दुश्मनों का लगाता सारा पता। और मेरा भी हाथ इस पर नहीं उठा पा रहा है, लगता है युवा को
और मुझे इसे रोकना चाहिए। फकीर साहब मैं समझ गया कि आप जरूर कुछ पहुंचे हुए फकीर हैं। आप तशरीफ लाइए और मेरे खता को माफ कीजिए। आइए फकीर साहब, जो मैंने आपसे सवाल पूछा है उसका जवाब जरूर दीजिए। भगवान के प्यारे खता कुल माफ मेरी कीजिए, पूछा है जो कुछ भी मैंने वो ठीक बतला दी। तो सच सुनना चाहता है सुल्ताना जी? मेरी बात ध्यान से सुन। अच्छा तो सुन ले गौर कर, मजबूर जो करता मुझे कर लीजिए इतबार दिल, सच सच मैं बतलाऊं लड़का किसी का पांच वर्षी गोद में तू लेगा, पुचकार उसको प्यार में हजार रुपये देगा। हो जाएगा उस वक्त ही बच्चे तू गिरफ्तार है, सच जान ले जो कुछ किया मैंने आश्कार है। फकीर साहब रुकिए तो सही, बिलाशक ये तो वाकई कोई सच्चा फकीर था और इसने तो मुझे बिल्कुल ही बेखतर बना दिया। इसने कहा कि जब मैं किसी 5 बरस के बच्चे को गोद में उठाऊंगा और उसको 1000 रुपए दूंगा तब मैं पकड़ा जाऊंगा। अरे भाई मैं 5 बरस के बच्चे को गोद में भला क्यों उठाने लगा, और अगर उठा भी लिया तो 1000 रुपए, भाई मैं उसको 1000 रुपए क्यों देने लगा? भाई हम तो बिल्कुल बेखतर हो गए। सुल्ताना के बड़े खास हैं। सुल्ताना, उनसे हमें अंडर की खबर पता चल सकती है। सुल्ताना के बारे में जल्दी बता वरना गोली मार दूंगा। हुजूर इसे अंदर रखिए। मैं तो कादिम तुम्हारा हूँ ये क्या कहा, गंगा माई की मुझको 1000 कसम, जान बख्शो मेरी जान बख्शो मेरी, रहू खिदमत में हर दम बजा। यही जो हमारे काम का है, कर सुल्तान कछु जो गिरफ्तार दे बख्श झूठो में बेशक तेरी जान को, और इनाम भी तुझको घर पकड़वा दिया उस बेईमान को। तुम करावे गिरफ्तार बेशक उसे, साफ कहता उठा अपने ईमान को, भग गए यंग साहब तुम्हारा खडर, ये दिलाऊं यकीन जाके शैतान। ये आइडिया बहुत अच्छा है शेर सिंह। अच्छा मेरा मुलाजिम है तू आज से तनख्वाह 15 रुपए मिले हर माह पर, ठहर जा तेरा फोटो मैं ले लूं जरा, चल दो खेता फिर जा पीछा। तुम्हारी तो चांदी हो गई। हाँ भैया 15 रुपए। सुल्ताना तू अब मुझसे बच के नहीं जा सकता, मेसिंग विद द ब्रिटिश ब्लडी इंडियन। Thank you.
सरदार जी। अब क्या बात है? शेर सिंह। शेर सिंह? क्या हुआ शेर सिंह? साहबियों से मिल गया शेर सिंह बदकार, अब मतलब की बात पर लाना। शेर सिंह यंग से मिल गया, ये सुनकर तो ताज्जुब दिल पर हुआ सवार, क्योंकि शेर सिंह था बड़ा नमक ख्वार गम ख्वार, ऐसा कैसे हो सकता? वो था तब था मगर दुश्मन है अब तो जा तुम्हारी का। क्या हुआ? नौकर वही 15 रुपया। ठहरोगे तो पछताओ, है मुकाम एक तुंदरा का, बस उसमें ही पास बनाओ, क्योंकि तुंदरा में बहुत घना जंगल है, तो वहां ना किसी की दाल गले, हाँ वहां ना किसी की दाल गले, बस निद्रक ऐश उड़ाओ, पुलिस अफसरों को यारों तुम अच्छी तौर छकाओ। लेकिन शेर सिंह बड़ा कमीना जी, जुल्म में कसर रखी ना, जुल्म में कसर रखी ना, अगर कहीं मिल जाए तो बस मुश्किल उसका। बहुत खूब
सुनाती हूँ गाना, सुनो जान जाना का साजन तेरा। मेरे पास है दौलत कहाँ,
नॉन मिर्च बेच कर मैं गुजारा करूं, एक दिन भी अगर जान पाऊ दुकान, बीबी बच्चों सहित मैं भूखा। भी छोटी है यहाँ धोती है मेरी, घर पे बस रूखी रोटी है मेरा। अबे सच बोल मक्कार, सच बोल, मुझे अच्छी तरह से पता है तेरे पास कितना पैसा है। हाँ सच बोल तो अभी फौरन रिहा कर दूंगा, और बकेगा झूठ गोली का निशाना अभी बना दूंगा, जल्दी बोल। भूल हो गई, भूल हो गई, रुपए हैं। रुपए हैं बोला। वाह रुपए दो है बिलासक मेरी इस धोती की अंटी में। दो रुपए? अबे तेरी धोती की अंटी की बात नहीं कर रहा हूँ, बता दे जो है तेरी घर की घंटी में। अजी सरदार दमड़ी भी नहीं है दास के घर में। तो जान लिया है चक्कर कुछ तेरे सर में। ए मेरे बहादुरों, ऐसा करो सीट करा है ज्यादा कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको सर्दी सता रहे हैं। ऐसा करो आग जलाओ और सेठ जी को जरा सेको। शाबाश। ये सुनकर डाकुओं ने दीनी आग लगाई, लाला जी को पकड़ कर जबरन रहे। साहब तो भग गए,
बिल्कुल निडर हो जाइए। वाह वाह क्या अच्छी खबर है, हमारे डर से यंग साहब भग गए। खुश हो जाओ भैया, खुश हो जाओ। अब हम कार फटकार फटक न कर, हाल कुल तेरा हो आशकार आ गया। बोल तनखा लगी किसकी वहां 15 रुपए और किसका वहां फोटो उतारा गया। जल्दी बोल मतार, बोल जल्दी। इस समय की खबर मुझको बिल्कुल न थी, सुनता जुबे फंस दिल हमारा गया। सच्चे दिल से हूं मैं तेरे बाप का, मुझसे ऐसा सपन क्यों चला गया। वाकई शेर सिंह तू हमारा बड़ा ही खैर ख्वाह आदमी है, शायद हमसे गलती हो गई, कुछ गलत खबर मिली। क्यों भाइयों? हाँ सरदार। भाई शेर सिंह कह रहे हैं कि वो हमारे बड़े ही नमक ख्वार आदमी हैं, खैर ख्वाह आदमी हैं। तो ऐसा करो, इनकी जरा खातिर करो। शेर सिंह को शराब बहुत पसंद है, तो ऐसा करो भाई, 10 बोतलें शराब शेर सिंह को पिलाओ। और शेर सिंह को मिठाई भी बहुत अच्छी लगती है, तो 10 सेर लड्डू मंगवा दे और खिला इसको। खातिर करो इसकी। हम पीछे आवे तो रास्ता भूल न जावे।
इस तरह ताल बजाना जिसको सुनकर एक साथ सुल्ताना हो। सुल्ताना का अड्डा यहीं कहीं होना चाहिए। अरे सुनो, तुम्हें देख दिल शाद हुआ हमारा, किधर हो रहा कहिए जाना गरीबों का प्यारा रहे-मर्द सुल्ताना बांका जुझारा, उसी को सुनाने को जाते हैं गाना, ले इनाम कुछ जिससे होगा गुजारा। हाँ हाँ, बेशक जगह उनकी कुछ दूर पर है, चलो मेरे संग उनसे मिलना अगर है। आप जानते हैं सुल्ताना? हाँ हाँ, चलिए मिलवाते हैं सुल्ताना से। आइए तो चमक चलो है। हाँ भाई, हमसे क्या काम है तुमको? सरदार, हम आपको नाच दिखा के वो गाना गा के कुछ इनाम पाना चाहते हैं सरदार। हुकुम फरमाइए सरदार। भाई देखो, ऐसा सारी दुनिया को पता है कि सुल्ताना को नाच गाना बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा करो भाई, एक अच्छा सा गाना सुनाओ और हमसे इनाम पाओ। हाँ सरदार, सुनाओ। बैठो भैया, बैठो बैठो, तान लगा ले छुरी। तेरी सानी का दूर दिला Ah!
सरदार। कैसा लगा आपको इन लोगों का गाना? गाना तो बहुत ही मजेदार रहा, मगर तबलची के हाथ ने कई दफे धोखा खाया है। थोड़ा बेताला हुआ। अरे वैसे तो होशियार है, पर इसने आज ही मेरे साथ तबला बजाया। और ये सारंगी वाला, ये भी तो ताल से अलगा हो जाता है, क्या इसे भी आज ही साथ लगाया है? प्रधान जी, आप तो खामा खा बेचारों को तंग कर रहे हैं भाई। गाना तो अच्छा ही रहा। क्यों भाई? अब ऐसा करो प्रधान जी, इन बेचारे तीनों को कुछ इनाम विनाम भी दो। ऐसा करो, इन तीनों लोगों की मुश्किल बात का तलाशी लो। सरदार माफ कर दो, सरदार माफ कर दो, सरदार माफ कर दो। सरदार तुम सबने अपनी खता अब तो ली जा। समझ रखा तुमने सुल्ताना नादान होकर निडर जम साहब का हुक्म बजाने आए और धोखेबाजी के बंदे में मुझे फंसाने आए। इसका तुझे इनाम तो जरूर मिलेगा। सरदार हमें डबली वाले। सरदार माफ कर दो, सरदार माफ कर दो। सरदार नहीं लगा रहा था। हैं? सरदार माफ, सरदार नहीं, सरदार माफ कर दो। सरदार अब ऊपर जाके डबली। सरदार माफ कर दो। सरदार ये क्या कर रहे हैं? चुप चुप। सरदार माफ कर दीजिए। सरदार नहीं, सरदार माफ कर दो। चुप। तेरी सानी का तू ही है हरामजादी। बड़ी वहां से बन के आई थी। ले ले तेरी सानी का। नहीं सरदार। और तू सरदार माफ कर दो। ये तो शक्ल से पुलिसिया जानता है। यहाँ संतरी चुन्नी पहन के आया है, है? तू इन तीनों लाशों को उठवाओ, यहाँ एक भी ना रहने पाए। चलो जल्दी। ये तो तुम बहुत बुरी खबर लेके आए हैं। हमारी पुलिस के सिपाही जो साजिंद बनकर गए थे, सुल्तान ने उनको मार डाला। सुल्तान बहुत चालाक, बहुत बहादुर भी है। डिप्टी साहब, ये सुल्ताना डाकू तो बेहद बेखतर। सही करो, कोशिश करो, हाथ नहीं आता। मगर अब ये तो होना ही था। आखिर है तो वो सुल्ताना, और क्या वो आपने समझा था मामूली बसर? What? मतलब कब का हमले के पकड़ बेखौफ नहीं होता अगर? I am developing respect for this chap, Sultana. खैर देखा जाएगा। हिम्मत ना हारो इस दरियान। हाँ किसी दिन तो हमारी दूर कुल होगी फिकर। ये तो सच है, आदमी कितना भी हो शेरे बबर, आखिर आ ही जाता है काबू में अपने वक्त पर। लेट्स मेक प्लान नंबर टू। मुनीम जी, लोग हमें सूम बतलाते हैं। अरे पर ये नहीं जानते कि धन तो सूम पने से ही घटता होता है। जो ज्यादा दान वगैरह करता है सो तो आखिर में मरता ही है। ठीक कहते हो सेठ जी, और आपके तो घराने में शुरू से ही सूम पना चला आता है, तभी तो घर का खाना खराब नहीं होने पाता है। हाँ, तुम तो जानते ही होगे, इससे पहले थे बड़े लाला। अरे कभी भूल करके किसी कुकड़ को रोटी का टुकड़ा तक नहीं डाला। हाँ हाँ भाई, सेठ जी ऐसे ही थे, और आप तो उनसे
बढ़कर हुई कि दुकान व मकान के कूड़े करकट से ही रसोई बनाते हो, छदाम का ईंधन नहीं लाते हो। आजी हाँ, सो भी रसोई कच्ची नहीं रहती, कच्ची। वाह वाह, कच्ची कैसे रहेगी? सेठानी जो है रसोई बनाने में एक नंबर। हाँ वो तो है ही। अच्छा तुमसे एक बात पूछे है, लाला के मरने के दिन थी हमारे यहाँ कितनी रकम? तब दिन तो सेठ जी पूरा आधा लाख रुपया था, ना कुछ ज्यादा ना कम। अब ठीक ही पूछते हो तुम, तो झूठ क्यों बतलाए हो? अच्छा तो ये भी दो खोल कर, आज दिन कितना रुपया है नकद बंदे के घर? आज दिन तो सेठ जी डंका पूरे लाख पर। अब बहुत लियाकत बढ़ गई, रही इसमें ना बिल्कुल कसर। मुझे इस बात का ख्याल रहता है सदा कि बाद मेरे मरने का कौन उठाए फायदा। हाँ ये तो ख्याल सच्चा कि ईश्वर ने सब अच्छा किया, सोच मुझको भी बड़ा लल्ला ने एक तुमको दिया। अबे लल्ला ना लो सेठ जी, अब लल्ला की चिंता छोड़ दीजिए, आपको अपने पैसे की चिंता है तो मैं हूं ना यहाँ। क्योंकि हमेशा से है मेरा यही कायदा कि सूम यानी कि कंजूस जोड़े हैं धन, उनको लूटू हूं मैं और गरीबों को पहुंचाता हूं फायदा। आप कौन है? मैं कौन हूं? सर अपना शुभ नाम तो बताना। ओ शुभ नाम, सेठ जी अपनी धोती जरा कस ली क्योंकि मेरा नाम है सुल्ताना, सुल्ताना, सुल्ताना। बड़ा नाम है, इनको भोजन, इनको भोजन मुनी जी झट करवाते हैं, देर का बस जरा भी नहीं था। सेठ जी आप तो बड़े मेहमान नवाज हैं, लेकिन बात ऐसी है कि मुझे खाने की इस वक्त परवाह नहीं। लाओ लाओ तिजोरी की चाबी और ये भी बहुत जल्द बतलाइए, बाकी दौलत तुम्हारी गढ़ी है। चार पैसे से ज्यादा आमद नहीं, क्यों मुनीम जी ये झूठा नहीं है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हे मुनीम तू बता साफ साफ। हाँ 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 जी हाँ, सब सही, माशे माशे सही, रत्ती रत्ती सही, सेठ जी का जिक्र वो भी उसी से मिला हुआ। अब इनके कपड़ों पे तो टुक नजर डालिए, इनके कपड़ों पे तो टुक नजर डालिए, टोपी कुर्ता व धोती हटे। पिस्तौल को तो जेब में ही रखो, चाबी मिलती है दिल में करो। ठीक है चले, तो चाबी लाते हैं, ले सब खाली कर दो, ले जाओ। खाली कर जाओ, छोड़ना।
या फिर धन कहीं सेठ जी जोड़ना फिर धन कहीं दाता ना बन जाना मुनीम तू भी जल्दी बढ़ो खड़ा हूँ लीजिए अब क्या करोगे वो भी फरमाओ ऐसा है सेठ तूने गरीबों को सताकर बहुत पैसा इकट्ठा किया लेकिन खैरात में एक कौड़ी भी नहीं दी गरीबों को इसकी सजा तो तुझे मिलेगी अभी मिली नहीं चिंता मत कर मैं तुझे मारूंगा नहीं लेकिन तुम दोनों एक घंटे तक उठक बैठक करो चलो नीचे पूरा लगा दो दोबारा से गिनूंगा तीन शाबाश ऐसे ही लगाते रहो और अगर रुके याद रखना सुल्ताना कहीं दूर नहीं गया है सुल्ताना, सुल्ताना, कंट्रोल योर
बैठते हो, उठते हो, बैठते हो, बैठक लगाने से क्या मिल जाए धन तुम्हारा? वो हुक्म दे गया है, उठो बैठो आधे घंटे, किस तौल से नहीं तो करूं दम खत्म तुम्हारा। बिल्कुल करो होश में आओ तुम, अब न घबराओ तुम, था अकेला ही आ और डाकू थे संग, जल्द बतलाइए, जल्द बतलाइए। बोलिए बोलिए सेठी। उसके डर के वजह से मैं घबरा गया, क्या बताऊं जी साहब यकीन लाओ, गर मुनीम जी तुम्हें कुछ खबर हो अगर तो सारा हाल कुल इनको समझा। अब तो मैं कर दूं जमा गंगा कसम, आप अगर सुल्ताना से वापस करा दे। अच्छा मैं कोशिश करूंगा, दिल में धीरज लाइए, हो गया सो हो गया, बस अब नहीं घबराइए। आप चिंता ना करें, हम सुल्ताना को कैप्चर करेगा। सिपाहियों कम विद मी। अम्मिया जरा धोती तो कस लो। सरदार जी, ये यंग साहब का मुखबिर मालूम पड़ रहा है। किसी ना किसी को रोज पकड़ लाता है मालूम क्या पड़ता है, ये तो है ही मुखबिर। क्यों बे, साफ साफ बता कौन है तू? सरदार जल्दी बता। मैं सरकारी डाकिया हूँ सरदार, यंग साहब का खत लेकर जा रहा था। ओ, सरकारी डाकिया, यंग साहब का खत। अच्छा ये बता कि यंग साहब कहाँ पर, जल्दी बता। इसी जंगल के बाहर, उनके खेमे में पाओगे उन्हें सरदार। ओ, खेमे में जंगल के बाहर, और उनके साथ कितने आदमी हैं? 200 लगभग सिपाही है साथ में उनके, लो जान। जी सरदार। राम सरदार, अरे इसको मार दो। सरदार सरदार, मुझे बहुत मारो, कैसे हुक्म देते हो सरदार? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ सरदार, एक मामूली डाकिया हूँ सरदार, घर में छोटे छोटे बच्चे, सरदार मुझे मत मारो, एक बूढ़ी माँ है सरदार मुझे। ए, चुप, तू गरीब है सरदार, अपनी बात साफ साफ कर। सरदार मुझे मत, मुझे मुझे मत मारो जी सरदार, कसम चूमूं मैं बार बार। बच्चे रो रो कर मरे, छोटे छोटे हैं, मैं गरीब हूं इस कदर जुल्म रहे क्यों ढाई, गरीबों के हो कर गम ख्वार, कदम चूमूं मैं। ए डाकिया, मती अब डर तू दिल दरम्यान,
मती अब डर तू दिल दरम्यान नहीं लूंगा मैं तेरी जान मती अब बिल्कुल मचा मैं गरीबों की जान नहीं लिया करता लेकिन एक बात बता कितनी तनख्वाह माह में दे तुझको सरकार और कितने तेरे मकान में खाने वाले यार खोल के कर सारा इजहार खोल कर कह सारा इजहार नहीं लूंगा मैं तेरी जान सरदार बोल 9 रुपए महीने की तनख्वाह है सरदार बस 9 रुपए और घर में एक स्त्री दो बालक है एक छोटा भ्रा चार हुए पांचवी मेरी बूढ़ी माँ छठे नंबर पर मेरा शुमार कदम चूम मैं बारंबार छह लोग और तनख्वाह खाली अरे जब के पेट भर के नहीं खाना भी हो यार तो फिर ऐसी नौकरी करने में क्या सार अरे ऐसी गुलामी छोड़ अरे तो फिर ऐसी नौकरी करने में क्या सार अबे चल रह बे अकल गवार अबे चल रह बे अकल गवार नहीं लूंगा मैं इसकी जान अबे चल अबे बुरों के पास क्या पड़ा हुआ है मेरे पास आ सरदार मैं तो इस्तीफा यहाँ पर ही दे दूं अभी हाँ आप अपने शरण मुझको रख ले अभी तू मजे से मेरे पास आराम पा तू मजे से मेरे पास आराम पा लेकिन तेरा घर है कहाँ ये पतला मुझे ए जी सरदारी के गाँव श्यामा नगर हो बस उसी में समझ लीजिए खाद का श्यामा नगर ठीक हो तो है मेरा रखा अभी तो तू घर जा लेकिन तूने कहा कि तू गरीब है और हम गरीबों के गमखार हैं इसलिए हम तेरी मदद जरूर करेंगे डाकिया ध्यान से सुन ठीक तीसरी तारीख को मेरा भी हो आना वहां कहां पर श्याम नगर तेरे गांव तीसरी तारीख को होगा भी मेरा आना वहां पेड़ बेहद है खड़े चश्मे के साहिल पर जहां बहुत सारे पेड़ खड़े हुए हैं झरने के बराबर जी सरदार मैं जगह जानता ठीक उसी जगह आकर तू शक्ल दिखलाना मुझे अब ना कुछ परवाह कर बेशक मदद दूंगा तुझे मैं जरूर मदद करूंगा ठीक है शुक्रिया सरदार शुक्रिया सरदार आप गरीबों के दाता हो सरदार आप हजारों साल जियो सरदार शुक्रिया सरदार आप गरीबों के दाता हो सरदार आप बहुत जियो सरदार सरदार प्रधान जी सरदार ये डाकिया वास्ते गरीब है और सरकारी नौकरी में कुछ मिलता नहीं हमें इसकी मदद करनी चाहिए सरदार माफ करें तो एक बात बोलूं बोलिए ये तो मुझे बहुत ही चालाक जान पड़ता है कहीं खतरा ना बन जाए प्रधान आप हर एक परीक्षक करते रहते मेरी बात ध्यान से सुनो ऐ प्रधान जाकर वहां भूल न हो जिन्हार देंगे हम
जा, ठीक है सरदार, ध्यान रहे, और डाकू को तुम भी ध्यान रखना। जी सरदार। अब चलो शाम नगर चलने की तैयारी करो, चलो। सुनकर ये थेले को उठा झट चल दिया है डाकिया, चालाक ने रास्ता दिया। फूला नहीं तन में समावे, हो रहा बेहद मगन। कर गौर सुनिए सजनो, बोला साहब से बचो। हुजूर, कौन है तुम? अंदर घुसने को कैसे आए? हुजूर, मैं इस गांव का डाकिया हूँ। क्या चाहता है? सुल्ताना की खबर लाया हूँ हुजूर। सुल्ताना? जी हुजूर, सुल्ताना को घरचे में गिरफ्तार कराऊं तो फरमाए हुजूर इनाम क्या पाऊं? सुल्ताना को डाकिया गिरफ्तार करवाएगा? घरचे तू ऐसा कर दे तो मैं पूरा न समाऊं। ₹1,500 का सरदार, तो गौर से सुनिए। अच्छा तो सुन लीजिए, ध्यान लगा सरदार, शाम नगर को जाएगा सुल्ताना भदवा। कितनी तारीख को कब जाएगा? 1-3 तारीख वहां पर है उसके जाने की, मर्जी उसकी है गिरोह चश्मे पे ठहरा। एट द वॉटरफॉल्स। जी हुजूर, और आप करे तकलीफ, आप करे तकलीफ वक्त पर गर्चे वहां जाने की, तो हुजूर मुश्के जरूर बन जावे दीवार। ऐसा मौका फिर ना मिलेगा, ना मौका फिर मिले ऐसा, सही बिल्कुल सुनाता, ना मौका फिर मिले ऐसा, सही बिल्कुल सुनाता। इजाजत मुझको दे दीजिए, मैं अपने घर को जाता। इजाजत मुझको दे दीजिए, मैं अपने घर को जाता हूँ। क्या किया? अभी तुम जाओ, हम तुमको 3 तारीख को मिलेगा। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। सुल्ताना द टाइगर, यू विल सून बी आउट माय केज। देखा है
प्यारी मैंने खौफनाक एक खाब सोच समझ तदबीर को बदन हुआ बेताब है दिल का है नहीं मेरे बचने का ढंग गिरफ्तार मुझको करे ये शख्स है दिलदार दिल में भारी फिकर तुम्हारी मेरी प्रेम प्यारी प्यारी तुम्हारी जान है गुलफा ए प्यारे साजन मती करो गजब की बात आफत में मैं आपका नहीं छोड़ूंगी साथ ए दिलदार देंगे दोष सभी नर नारी मारी साथ इतने ही दिन का तुम्हारा मेरा वो सब निभ गया प्यारी जलवा बिगन अब कहन मेरी मानो नजद तुम करो खर्चे प्यारे तुम्हारा यूं दुखता है दिल तो मैं मजबूर हूँ इस घड़ी जार मन सर पे रखूंगी बेशक हुक्म आपका ये तारीख तीसरी आई सुनिए सजन दाना मैं गिरो के शाम नगर में गया पहुंच सुन ठीक वक्त पर आए क्योंकि हमारा भी अभी यहाँ हुआ है आना और ये कौन है तुम्हारे साथ क्या ये है तुम्हारा पुत्र प्यारा जी सरदार हाँ ये है मेरे आंखों का तारा माना जैसे भी नहीं रो रो संग सिधारा कितना प्यारा बच्चा है शुक्रिया सरदार गरीब के बच्चे प्यारे ही होते आओ बच्चे मेरी गोद में आओ
प्रधान जी सरदार कितना प्यारा बच्चा है। लाओ जरा इसको कुछ इनाम दो भाई, दो 1000 रुपए दो। और डाकिये को हमें जो देने थे वो 4000 रुपए दो। शुक्रिया सरदार, शुक्रिया। ये सुन गोदी में दिया बच्चा की नाबार, सुल्ताना ने बहुत कुछ पीना उस पर। देखा आपने गरीबों की मदद कर कर कितनी खुशी होती। हाँ सरदार, जब मैंने उस प्यारे से भोले से बच्चे को गोद में उठाया और जब मैंने उसको 1000 रुपए क्या 1000 रुपए 5 बरस का बच्चा, उस फकीर ने ये कहा था कि जिस दिन मैं 5 बरस के बच्चे को गोद में उठाऊंगा और उसको 1000 रुपए दूंगा उसी दिन मैं पकड़ा जाऊंगा। मत फकीरों वकीरों की परवाह करो, ये तो दीवानी मस्तानी बातें करे। अरे आपको कौन पकड़ेगा, आप तो हैं बहादुर जिगरी पुरो। बीती बातों से अब ना सरदार, आप थके हुए से मालूम होते हैं, यही जंगल में मंगल कीजिए, मैंने खटिया लगवा दी है तो आराम फरमाइए सरदार। हाँ सरदार, प्रधान ठीक कह रहे हैं, आप आराम कीजिए सरदार। क्या मैं वाकई थक गया, तभी मेरे दिल में मर्दाना ख्यालों के बाद ऐसे कायराना ख्याल आ रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ी देर आराम करूंगा, अभी आप सब लोग जाइए, मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दीजिए। जाइए जिलावर में।
लगता है कि आप दिलावर हैं। क्यों? क्योंकि दिलावर को जो पकड़े वो दिलावर को जो पकड़े वो दिलावर उससे बढ़कर है। दिलावर को जो पकड़े वो दिलावर उससे बढ़कर है। लेकिन सुन कर मैंने तुझको नहीं पकड़ा, मैंने पकड़ नहीं तुझको, जो खुद ही हाथ आया है। मैं जुबाई खा गया देवखा, सिपाही ने फसाया है। सिपाही का गया धोखा, सिपाही ने फसाया है। सिपाही ने फसाया, फसाया किस सिपाही ने, क्या धोखा मैंने खाया है। समझ मेरी में अच्छे तौर ये किस्सा न आया है। समझ मेरी में अच्छे तौर ये किस्सा न आया है। यंग साहब जरा खोल के समझाइए। मैं बैठा उसी डाकिया ने फसाया तुझे, जिसके ऊपर किया तूने इतबार है। तेरी नेकी का बदला ये उसने दिया, तू बना जिसका पूरा मददगार है। करिए, मुझे फांसी पर चढ़ाना है, चढ़ा दीजिए। सुल्ताना तुम ऐसे निराश मत हो, हम तुम्हारी इज्जत करते हैं। तुम ऐसे बहुत कम इंडियन लोगों में है जो गरीबों की मदद करते हैं। अरे बहादुर तू अब दिल में कुछ गम न कर, हो गया नाम दुनिया में तेरा अमर। फैसला भी तेरा कल को हो जाएगा, लाल सबर हो मती बेसबर। सिपाहियों ये क्या विषय? चलो सुल्ताना। दुनिया के नाम तुम्हारे कोई आखिरी संदेश? यंग साहब मैं डाकू हूं, पूरी उम्र मैंने डाके डाले लेकिन कभी गरीबों को नहीं सताया, खाली अमीरों को लूटा। आज ये लोग जो यहां पर जमा हैं, उनसे मैं बस यही बात कहना चाहता हूं कि कभी गरीबों को मत सताना और कभी ऐसे डाकू मत बनना जो अपने से नीचे वालों को मारे, क्योंकि डाकू खाली जंगलों में ही नहीं शहरों में भी रहते हैं और आजकल भी रहते हैं जो गरीबों को सताते हैं। डाकू बनना न कोई कभी भूल कर हा, क्योंकि है ये निहायत भी नाकिस करम, खो
खौफ खाना हमेशा तुम ईश्वर का। पूरे रास्ते पे हरगिज ना रखो ना कदम। बस यंग साहब मुझे यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी नौटंकी आप देखने के लिए आए। और सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा हमारे नौटंकी के कलाकारों से और हमारे साजिंदाओं से। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा हमारे नौटंकी के जो स्तंभ हैं हमारे साजिंदा। प्रशांत बोनियम, उसके बाद अमित ढोलक पर था, और कोरस में हमारा साथ निभाया विनिता ने। हमारे कलाकार, हमारे एक्टर, सबसे पहले डाकिया वेंकट, और उसके बाद हमारा एक बहुत ही नन्ना सा प्यारा सा कलाकार जो डाकिया का बेटा बना था 5 साल का, वो है अनीशा। और यंग साहब हैं राजीव, इसके बाद बेड़नी यानी कि नाचने वाली पलक, और फकीर साहब जिनको आज सुबह 102 डिग्री बुखार था लेकिन फिर भी वो आए। हमारे जासूस डाकू हसीना सोहान्या, हमारे कवि नंबर 1 धीरा, और उसके बाद मुनीम और डाकू सतकला बहुत सारे रोल जिन्होंने किए वो थी शुभ्रा। शेर सिंह का पार्ट अदा किया संजू ने। और हमारे बहादुर डाकू अर्णी, उसके बाद इनको आपने कई रोलों में देखा, रघुमल भी ये थे, प्रधान भी थे, ये हैं हमारे के यानी कि कृष्णकांत। और डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अबुल कासिम है अभिषेक, हमारे दूसरे डाकू कार्तिक, और हमारे दूसरे कवि आनंद,
आते हैं हमारे पुलिसिये सुमित। सुल्ताना की दिलदार फूल कवर सारिका। और फिर उन्होंने कई किरदार निभाए, ये डाकू भी थे, सेठ जी भी थे और साथ ही साथ ये इस नाटक के प्रोड्यूसर भी थे, रजत। बहुत शुक्र गुजार है कि आप लोग आज इस दिन आ सके। हमें कुछ लोगों से आप लोगों का परिचय जरूर कराएंगे जो आज प्रोडक्शन में हमारा बहुत काम दिया। सबसे पहले लाइट्स और साउंड पर हरीश सुंदर मगर। हमारे स्टेज मैनेजर जूही मोहन। कॉस्ट्यूम की डिजाइनर स्निग्धा जैन। हमारी नन्ही हशर अनुषी सोंधी। इनमें से और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने हमें प्रोडक्शन में बहुत सहायता करी, उनमें से एक है शेरी जवेरी जो टिकट सपोर्ट और मेकअप पर रंजिता चक्रवर्ती। ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो गया है, बस दो लोगों से आप लोगों का परिचय कराना जरूर रहेगा। सबसे पहले है पंडित राम दयाल शर्मा जो इस नौटंकी के गुरु और स्वामी खेरा घराने के हमारे, हर हफ्ते उन्होंने इंडिया से ही हमारी बहुत ज्यादा सहायता करी और हमें बहुत खुशी है कि उनके ही सुपुत्र इस नौटंकी के डायरेक्टर और हमारे और सबके सुल्ताना डाकू देवेंद्र।